प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। शाम 7 से 7:30 बजे के बीच में ऐसा लग रहा था किसी ने लखनऊ की सांसें छीन ली हो और लखनऊ थम सा गया हो। दरअसल उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक आधे घंटे के लिए पेट्रोल पंप बंद कर दिया, जिससे लोगों में हाहाकार मच गया। अचानक हुई इस हड़ताल से वाहन चालक परेशान हो गए। किसी की गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो किसी की गाड़ी में पेट्रोल ना के बराबर। दरअसल पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने कमीशन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल किया। एसोसिएशन ने ये भी कहा कि ये सांकेतिक हड़ताल है और आने वाले दिनों में अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो ये प्रदर्शन एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो जाएगा। उन्होंने सरकार से कमीशन बढ़ाने की मांग की है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो विरोध प्रदर्शन होगा। बहुत ज़्यादा इस समय मेरी पेट्रोल की कंडीशन गाड़ी में एकदम नील पे पहुंच गई है और मुझे आलमबाग जाना है। अब इस आधे घंटे के ड्यूरेशन की जब तक इनकी हड़ताल है तो ऑब्वियसली पब्लिक को थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगी। अब जिनके लिए दूर डिस्टेंस ट्रेवल करने और पेट्रोल नहीं है तो उनके लिए तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। क्या लगता है, अचानक पेट्रोल पंप बंद कर देना क्या ये सही है? हाँ, ये सही तो मैं बिल्कुल नहीं मानती। हाँ, अगर इनको कुछ असुविधा हुई है या पेट्रोल पंप वालों की डिमांड है तो एटलीस्ट पहले कुछ अल्टीमेटम देना चाहिए था। या जैसे अगर हम लोग को भी स्टूडेंट्स बींग अगर कुछ डिमांड होती तो हम जाके जैसे VC से या कहीं भी हायर अथॉरिटी से पहले उनको वॉर्न करते हैं कि अगर आपने हमारी डिमांड फुलफिल नहीं की तो हम हड़ताल करेंगे। तो शायद इनको भी एक ऐसा एक वार्निंग अलर्ट कुछ जारी करना चाहिए था ताकि पब्लिक को ये असुविधा नहीं होती। तो आज ये एट रैंडम जो हड़ताल हुई उसकी वजह नो डाउट हमें असुविधा हो रही है। पेट्रोल नहीं है यहाँ बोल रहे हैं 7:30 के बाद पेट्रोल डलेगा। गाड़ी में तेल नहीं है, देख लिया आप खुद ही भैया, रोज वाले हैं, क्या पता था पेट्रोल टंकी बंद का तो होगी। सही बात है, सबको देखे पीछे जाम लगाओ। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।